हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। हिंसबर्ग टेस्ट, अब इस टेस्ट का इस्तेमाल क्या है? सो इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। टेस्ट का यही काम होता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में हमें ये बताता है कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वहां पे। So it is used to distinguish between primary, secondary and tertiary amines. तो 1 degree, 2 degree या फिर 3 degree amines आपके पास present है, तो यह आपको बताएगा कि उनमें से कौन सा amine वहां पर present था, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर reagent हमारे पास क्या हो जाता है हिंसबर्ग टेस्ट में? तो हिंसबर्ग reagent हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर रिएजेंट हो जाता है। इसे आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो बेंजीन का रिंग है, सल्फोनिल ग्रुप SO2 और सल्फर से यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच है, तो ये हमारा सल्फोनिल ग्रुप बना यहाँ पर। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? तो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में जो बनेंगे वो बनते हैं हमारे पास सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स। ठीक है, तो हिंसबर्ग टेस्ट क्या इस्तेमाल है? ये हमें हेल्प करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, रिएजेंट क्या है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हमारा रिएजेंट है, और इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? इसमें हमारा प्रोडक्ट बन रहा है सल्फोनामाइड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आगे आइए हम लोग इसके आगे चल के देखते हैं रिएक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन रहा, इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन्स, तो प्राइमरी अमीन में क्या होगा? प्राइमरी अमीन के केस में मान लीजिए मैंने ले लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हमारा बन गया, और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग प्राइमरी अमीन के साथ RNH2 के साथ। तो इसमें क्या होगा इस रिएक्शन में? RNH2 का एसिडिक हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन के साथ चला जाएगा, यहाँ पर HCl चला गया, और इसमें रिएक्शन होकर के हमारे पास बन जाएगा सल्फोनामाइड। तो ये हमारा हो गया SO2, और यहाँ पर अटैच हो गया हमारा नाइट्रोजन, इसके साथ एक R और इसके साथ एक हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड बना है ये क्या होगा? ये इनसॉल्युबल है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये जो सल्फोनामाइड बना ये क्या रहा? इनसॉल्युबल रहा वाटर में। लेकिन अगर इस सल्फोनामाइड को हम लोग एक्सेस KOH में डाल दें, इस सॉल्यूशन में हम लोग एक्सेस KOH ऐड कर दें, तो क्या होगा? तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये SO2 ग्रुप वैसा ही रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास ये हाइड्रोजन हट गया और N के पास माइनस और K+, ये आयनिक बन गया। तो ये अभी क्या हो जाएगा? ये आपका सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्युबल बन गया। तो एक्सेस KOH के साथ जैसे ही हम लोगों ने इसे ट्रीट किया, ये क्या हो गया? सॉल्युबल हो गया। तो सबसे पहले बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड से हम लोगों ने प्राइमरी अमीन को ट्रीट किया, ये हमारा 1 degree अमीन था, और ये हमारा फॉर्म कर दिया सल्फोनामाइड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर उस सल्फोनामाइड को हम लोग एक्सेस KOH के साथ ट्रीट करें तो वो हमारा सॉल्युबल हो जा रहा है, और इसको वापस हम लोग HCl से ट्रीट कर दें तो फिर से वो इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा हमारा। तो ये था हमारा प्राइमरी अमीन। अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी अमीन की तरफ। सेकेंडरी अमीन में देख लेते हैं क्या होता है। तो सेकेंडरी अमीन में अगर जाए तो फिर से रिएजेंट वही रहेगा, बस अमीन चेंज हो जाएगा हमारा। तो रिएजेंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा रिएजेंट बन गया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसके साथ HN और R2, ये हमारा सेकेंडरी अमीन है। एक एसिडिक हाइड्रोजन है RNH2 के पास, तो इसमें फिर से क्या हो जाएगा? HCl यहाँ से चला गया
और ये हमारा बन जाएगा सल्फोनामाइड यहाँ पे, तो S डबल बॉन्ड O और इसके साथ अटैच हो गया N, और N से हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप हो गए, ठीक है। N के पास यहाँ पर लोन पेयर है, लेकिन ये जो इनसॉल्युबल कंपाउंड बना है सल्फोनामाइड जो बना है, ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन करके वहां पर सेटल डाउन हो जाएगा। और इसको अगर आपने एक्सेस KOH के साथ ट्रीट भी किया, एक्सेस KOH के साथ ट्रीट भी करें, तो आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के पास अब कोई हाइड्रोजन नहीं है जो हट करके वहां पर K+ चला जाए और ये कंपाउंड आयनिक बन जाए, तो स्टिल यहाँ पे क्या होगा, इनसॉल्युबल ही रहेगा क्योंकि कोई भी रिएक्शन उनके बीच में नहीं होगा। तो अगर हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है, लेकिन वो एक्सेस KOH में सॉल्युबल नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास सेकेंडरी अमीन होगा। लेकिन इसमें कभी कभी हमें कुछ डाउट्स आ सकते हैं, उसको समझने के लिए पहले हम लोग टर्शरी अमीन में चलते हैं। तो टर्शरी अमीन देख लीजिए, टर्शरी अमीन में क्या होगा, टर्शरी अमीन में अगर हम लोग जाए तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड सबसे पहले इंसबर्ग रिएजेंट हमारा ये ले लिया, और इसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं अभी हम लोग टर्शरी अमीन को, जिसमें कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है इनसे अटैच। तो सिंस यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस मिक्सचर को ट्रीट कर दिया HCl के साथ, तो क्या होगा, ये जो टर्शरी अमीन हमारे पास था, ये टर्शरी अमीन अभी हमारे पास R3NH+ और Cl-, मतलब ये अभी सॉल्युबल हो जाएगा, टर्शरी अमीन हमारा सॉल्युबल हो गया, क्योंकि ये जो रिएक्शन हुआ ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ। लेकिन ये सेम रिएक्शन अब आपका सेकेंडरी अमीन में नहीं हो, क्योंकि सेकेंडरी अमीन में SO2 ग्रुप के साइड में N प्रेजेंट है और N के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो N क्या होगा, N का इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस के थ्रू SO2 ग्रुप के पास जा रहा है, तो नाउ इट विल नो लॉन्गर एक्ट एज अ बेस। तो इसको अगर हम लोग HCl से ट्रीट भी करते तो भी ये हमारा सॉल्युबल वहां पर नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब टर्शरी में हमारा क्या हो रहा है, सल्फोनामाइड फॉर्म नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन, लेकिन अगर उस मिक्सचर को HCl के साथ ट्रीट किया हम लोगों ने, तो सॉल्युबल कंपाउंड या मिक्सचर एक फॉर्म हो गया हमारे पास। तो इसमें देखिए, पहले केस में क्या होगा हमारा, पहले केस में क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होगा, मतलब सॉल्युबल एक लेयर वाला सॉल्यूशन मिलेगा हमारे पास। दूसरे केस में क्या होगा, हमारे पास दो लेयर्स प्रेजेंट होंगे, दो लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। लेकिन तीसरे केस में क्या होगा, इनिशियली हमारे पास दो लेयर प्रेजेंट होगा, लेकिन HCl डालने के बाद वो दोनों लेयर हट जाएगा और ये क्लियर मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। तो पहले वाले में क्या किया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ प्राइमरी अमीन को ट्रीट किया, इनसॉल्युबल मिक्सचर फॉर्म हुआ या इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना, एक्सेस KOH के साथ ट्रीट करने पे ये सॉल्युबल और क्लियर सॉल्यूशन बन गया, मतलब ये एक लेयर वाला मिक्सचर बन गया। सेकेंडरी में क्या हुआ, दो लेयर वाले मिक्सचर्स हमारे पास बन रहे, लेकिन इसमें HCl से ट्रीट करने पे भी ये मिक्सचर नहीं हट रहा है। टर्शरी में क्या हुआ, इनिशियली तो हमारे पास दो लेयर वाले मिक्सचर थे क्योंकि रिएक्शन कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन अगर जैसे ही हम लोगों ने इसको ट्रीट कर दिया HCl के साथ, तो ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्युबल मिक्सचर बन जाएगा। तो इस वे में हमारा क्लियर हो जाएगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन, और ये जो हमारा रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हिम्सबर्ग टेस्ट, विच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन। तो इसको आप लोग याद रख लेंगे और ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में वैसा कुछ मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, जिसमें क्या होगा, एक फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी अमीन है, क्योंकि अमीन्स क्या होते हैं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो उसके साथ साथ अगर ये इंफॉर्मेशन दिया जाए कि हमारा हिम्सबर्ग टेस्ट वहां पे हो रहा है नहीं हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन कुछ अवेलेबल है, जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला दिया गया है और ये बताया है कि वहां पे हिम्सबर्ग टेस्ट करने पे क्या हुआ, जो प्रेसिपिटेट बना वो एक्सेस KOH में डिजॉल्व हो गया, तो ये अमीन है कौन सा, तो ये हमारा प्राइमरी अमीन हो जाता है। तो हिम्सबर्ग टेस्ट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अमीन प्रेजेंट इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। तो ये हमारा था ऑल अबाउट हिम्सबर्ग टेस्ट।